इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को फिल्म मेकर्स, एंटरटेनमेंट कंपनियों और बॉलीवुड की चार हस्तियों के ठिकानों पर छापे मारे। इनमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल है। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। जी हां, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर और ऑफिस के अलावा फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, केवन टैलेंट हंट कंपनी और एक्सीड कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पुणे में पूछताछ भी की जा रही है। आइए पूरे मामले को सवाल जवाब में समझते हैं। कहां कितनी जगहों पर रेड? मुंबई के लोखंडवाला, अंधेरी, बांद्रा और पुणे में बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच रेड शुरू हुई। करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तलाशी ली। इनमें अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मुंबई स्थित घर भी शामिल है। अब बात करते हैं कौन कौन सी हस्तियां रडार पर। अनुराग और तापसी के अलावा केवान और फैंटम फिल्म्स के पार्टनर मधु मंटेना और डायरेक्टर विकास बहल के ठिकानों पर छापा पड़ा है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के CEO शिबाशी सरकार के घर पर भी छापे मारे गए हैं। आखिर छापों की वजह क्या है? अब तक IT डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन डिपार्टमेंट को फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेन देन में गड़बड़ी का शक है। छापेमारी में मिले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं क्या सभी छापे एक दूसरे से जुड़े हैं। फैंटम फिल्म कंपनी को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, मधु मंटेना और विकास बहल ने 2010 में लॉन्च किया था। 2018 में विकास बहल पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद ये कंपनी बंद कर दी गई थी। इन चारों पर आरोप है कि फैंटम फिल्म से हुई कमाई का सही ब्यूरो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया और इसे कमतर दिखाया गया। दूसरा पहलू ये भी है कि मंटेना ने एक महीने पहले ही फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी का कुल 37.5% हिस्सा खरीद लिया। दूसरा पहलू ये भी है कि मंटेना ने एक महीने पहले ही फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी का कुल 37.5% हिस्सा खरीद लिया। 12.5% का हिस्सा उनके पास पहले से था। इस प्रोडक्शन हाउस में बाकी 50% हिस्सेदारी अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास है। यानी छापे किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको बता दें कि फैंटम फिल्म्स ने कौन कौन सी फिल्म बनाई है। फैंटम फिल्म्स कंपनी की पहली फिल्म लुटेरा 2013 में आई थी। इसके बाद इस बैनर के तहत हंसी तो फंसी क्वीन, अगली, NH10, हंटर, मुंबई वेलवेट, मसान, शानदार, उड़ता पंजाब, रमन राघव 2 जैसी कई फिल्में बनी। धूमकेतु 2020 में रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं छापों पर क्या रिएक्शन आए हैं। जिन सेलिब्रिटीज के यहाँ छापे पड़े हैं उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने छापों की निंदा की है। मंत्री अशोक चौहान ने कहा, ये रेड कोई नई बात नहीं है, आजकल तो ये रोज का मामला हो गया है। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर दबाव बनाने के लिए सरकार ये तरीका अपनाती है। सरकार इस तरीके से लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रही है। IT रेड के बाद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दोनों कलाकारों की नेटवर्थ को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 806 करोड़ की संपत्ति अनुराग कश्यप के पास बताई गई है, वहीं तापसी पन्नू के पास 44 करोड़ की संपत्ति है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क पर बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो आगे हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।